सरकार के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं और समय समय पर निरीक्षण भी करते रहते हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारी उसे पलीता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ताजा मामला सीतापुर जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां महिला वार्ड के स्टाफ ने मरीज से 200 रुपए मांगे। जब परिजनों ने असमर्थता जताई तो स्टाफ ने जबरन महिला मरीज से बेड सीट उठवाकर बाहर फेंकने को कहा और इतना ही नहीं, डॉक्टर से कहकर उसकी उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। गंभीर मरीज को लेकर जब पीड़ित परिवार सीएमएस से मिला और उन्हें घटना की जानकारी दी तो उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, साथ ही मरीज को मेडिकल वार्ड बी में भर्ती कराया। कल रात से हमारी माँ को एडमिट थी, उनकी तबीयत खराब थी। हम उनको बार बार कहीं ये हटाओ नहीं वो हटाओ, उनसे बताओ मरीज से, हमारी माँ से कह रही थी चादर उठा के बाथरूम में डाल के आओ जाके। उसके बाद जब कहा गया तो पड़ोस में एक मरीज और था, पहली बार तो पैसे के लिए बोले कि 200 रुपए लाओ, वो तो हमने सुना ही नहीं, उनकी बात ही नहीं सुनी। फिर कहे चादर उठा के बाथरूम में रखो जाके। कौन थी जो है ये स्टाफ में? और एक नर्स थी उनके साथ, वो भी थे। दो लोग ये ज्यादा बोले थे, बाकी पूरा स्टाफ सही था। बाकी ये दो लोग आपके साथ क्या हुआ? आपके हमारे साथ ये हुआ, हमारी माँ को इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है, कहीं इधर बेड पे भेजा जा रहा है, कहीं उधर बेड पे भेजा जा रहा है, और बदतमीजी से बात कर रही है। किसी भी मरीज से या उसके अटेंडेंट से अस्पताल के स्टाफ द्वारा ये कहा जाता है कि गलत चीज, जाँच कराएंगे, कुछ ऐसा होता है।